हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर, हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। नमस्कार, मैं विशालाक्षी दुबे जन जागरूकता मीडिया से आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म फोन भूत के बारे में कुछ खास बातें। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें से एक फिल्म है फोन भूत। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लीड स्टार्स कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर हैं। 4 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म का सितारों ने जमकर प्रमोशन किया है, लेकिन ये फिल्म सिनेमा घरों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। फोन भूत एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में कैटरीना कैफ की एक्टिंग जरूर धमाल मचा रही है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ लोगों को भूत बनकर डराती हुई नजर आ रही हैं। फिल्म की कहानी भी शानदार है, जो मेकर्स को फायदा पहुंचा सकती है, पर इस फिल्म में शुरुआती 5 दिनों में लगभग 11 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। फैंस को इसका ट्रेलर काफी पसंद आया था, लेकिन फिल्म उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है। ये फिल्म काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मेकर्स ने इस मूवी को देश भर में करीब 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया, जबकि विदेशों में ये फिल्म 500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।